फाइनली मेरी शादी आज रात को हो गई है, मेरी दुल्हन है ये, मुने दिखा रही है ये मेरी दुल्हन। तो गाइस देख भैया मिले हैं, ये भैया देखो भैया इसमें थोड़ी सी। अरे सो हे गाइस वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग का, क्योंकि आज रोटी बन रही है बहुत सालों के बाद। हम लोग बहुत सालों से कुछ नहीं खाते, तो आज रोटी खाएंगे। हर 10 साल में एक बार खाते हैं, मैं बचपन में खाया था, आज खाएंगे। और आज का ब्लॉग ये होने वाला कि अभी मैं गिम्बल से तो पकड़ा हूँ जुगाड़ से, बाकी बाहर नहीं ले जा सकता क्योंकि 2-3 बार फोन गिर गया। तो आप लोग को इसकी हालत दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बार बार गिम्बल का जिक्र करता हूँ। और देखते हैं शायद दिल्ली हो तो दिल्ली उल्ली अभी छोड़ते हैं और गिम्बल आज लूंगा साइड। गाइस जानते हैं गिम्बल जो है ना अपना, जिससे मैं मोबाइल पकड़ता हूँ, 2-3 बार मैं आपसे जिक्र भी कर चुका हूँ कि अपना जो गिम्बल, पहले तो काजल को देखो अपना टिफिन बना रही है। आज फिर से 9:43 में ट्रेन है, रोज रहती है। और अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो 2-3 दिन से मैं शूट नहीं किया, जो शादी वादी वगैरह आना जाना वही रहा, तो एडिट करके अपलोड किया हूँ। तो सोचा आज ब्लॉग बना देता हूँ। आज जाएंगे सैडोल, देखेंगे अगर यहाँ ज़्यादा, देखो यहाँ ये सब होता नहीं है तो यहाँ सामान भी कोई दुकानदार नहीं रखते। तो मैं आते समय एक तो सैडोल में मोबाइल की दुकान, वहाँ गिम्बल देखा था, तो आज वहाँ चलेंगे देखते हैं। सो देखो आज का सीन, जैसे अपन गिम्बल लेने जाएंगे तो उसमें चाहिए पैसा, ठीक है। पता नहीं कितने का आता है, तो अभी तुम्हारे भाई के पास तो है नहीं, तो इससे बोलते हैं, गुजारिश करते हैं, तो देगी पैसा? मेरे पास नहीं है, मुश्किल से 3 ऑनलाइन चेक किया हूँ मैं, तो 600-700 बता रहा, पर ऑफलाइन में 300-400 में आ जाना चाहिए। क्योंकि मैं इसकी हालत दिखाता हूँ, मैं क्यों ऐसा करता हूँ, 2 बार फोन गिरा, अगर ये फोन गया ना तो मैं दोबारा कभी ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा। और ये 300 नहीं देती तो कहाँ मोबाइल को देगी। सो देखो गाइस असली वजह बताऊं क्या है आप लोग को, देखो जैसे मैं ऐसे ब्लॉगिंग के लिए, पहले तो ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसको सीधा करने में बहुत टाइम लगता है। और देखो ये ऐसा होता है, ठीक है। और दिक्कत में इनका आती है, जैसे मैं करता रहता हूँ ना, तो ये मोबाइल ऐसे अपने आप हो जाता है। ये मेरा ये वाला तो हल्का वाला लगाऊँ, मैं जो सैमसंग A31 यूज करता हूँ ना, थोड़ा वजन है, 5000 mAh की बैटरी, तो उसको करते करते एक दिन मैं ऐसे जा रहा था, ऐसे गिरा रहा। आज तो मैं देख लिया, उस दिन इतना तेज से गिरा रहा स्टेशन से ट्रेन में, मैं बहुत तेज डर। देखिए मैं जो है ना आपको एक दिन दिखा दिया, पर ये 2-3 बार हुआ, मैं इसे इग्नोर कर दिया कि यार इसमें जानते, मैं कागज तक फंसाया रहा। इसको देखो अच्छे से, इसमें ये जो है ना घिस गया और ये टूट गया, तो इसमें कागज तक फंसाया रहा कि ऐसे रहे, पर ये कहा कि देखो ऐसे सेक होता रहता। देखो ये अभी मैं कुछ नहीं कर रहा ना, ये देखो। और जब ब्लॉगिंग करते जाओगे ना, थोड़ा सा ऐसे हिला तो ऐसे फोन गिरता है बिल्कुल तड़ाक से। 2 बार गिर चुका फोन, यहाँ रिचार्ज कराने की दिक्कत है, और मैं इतना दिक्कत से करके ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, आप लोग को क्या पता गाइस। तो इसलिए मैं आज देखो पैसा भी नहीं है, पर मैं जाऊंगा उसको लेने, नहीं फिर ब्लॉगिंग नहीं आ पाएगी। शादी का बना रहा तो हो गया, अब आपको डेली ब्लॉग देना, मैं डेली क्या करता हूँ, तो वो सीन ठीक है। और अभी मैं जानते हो वो किसके ऊपर टिकाया हूँ मोबाइल, एक बोरी के ऊपर, तो काजल देखो अपनी काजल वो बैठी है, वो खाना बना रही है, और उससे पैसा नहीं लेंगे, वो देगी भी नहीं गाइस, वो कभी नहीं देती, ठीक है। तो अपन 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 आज थोड़ा मैं स्टेशन में थोड़ा भीख मांगूंगा, जो पैसा उससे आएगा उससे, और फिर जानते हैं वहाँ देखते हैं क्या कितने का आता है। अभी मैं 500 रुपये कहीं से अरेंज किया हूँ, और बहुत मुश्किल से उससे देखते हैं कितने का आता है। और जानते हैं जो मैं ईयरफोन यूज करता हूँ बहुत टूटते हैं, बंद करना थोड़ी, देखो ना आवाज करने लगती है, तो मैं उससे ब्लूटूथ एक खरीदना चाहता हूँ, पर वो जानते खिंच जाता है यार, बहुत दिक्कत होती है। तो अभी शुरू में दिक्कत, और हाँ यार दिल्ली देखो मेरे पास मात्र अभी 2000 रुपये है, 2-3000 रुपये, ठीक है। और ये अगर देती तो मान लो चले जाते, वहाँ जाएंगे किराया भी बस होगा, तो घूम के ऐसे थोड़ी ना कुछ पसंद आएगा तो मन करेगा, तो रास्ते नापने वाला काम नहीं करेंगे। तो सॉरी आप लोग को अभी नहीं ले जाऊँगा, बाकी अगर इस चैनल को जल्दी से जल्दी अगर आप लोग वायरल करते पैसा आता है, तो फिर अपन बहुत घूमेंगे, एक बाइक लेंगे बेहतरीन से घूमेंगे। तो सॉरी दिल्ली वाला उज्जैन पक्का जाएंगे, क्योंकि उसमें मम्मी मौसी सब लोग जा रहे हैं, तो उसमें मेरे को ले जाएंगे, तो उसके लिए करते हैं। और जो थोड़ा बहुत पैसा भी बचा है मेरे पास, जो जोड़ा रहा, तो उससे आज मैं वो खरीदूंगा ट्राईपोड, मतलब वो गिम्बल। तो मैं कॉलेज चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो गाइस अपना ये जो गिम्बल है ना, इसमें से आज करीब 64 या 63 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जो कि मैं इसी गिम्बल से किया हूँ। और इसको अलविदा नहीं बोलेंगे, इसको रखेंगे, इसका कुछ कुछ सामान, और इसको भी अच्छे से रखेंगे, कभी ना कभी कुछ चीज़ वेस्ट नहीं होती, हर चीज़ का काम आता है, है ना। जैसे मिट्टी बचती है घर में, तो लास्ट में जब नया घर बनता है तो भरने का काम आता है। तो अभी देखो 9:34 हो रहा है, मेरे फ़ोन में दिख रहा है, और 9:45 में ट्रेन है, तो अभी मेरे को नहाना भी है, अभी दुकान से 9 बजे आऊँ, तो अभी खाना अन्ना खाऊँगा, अब कॉलेज जा खाऊँगा। तो अभी जल्दी से मेरे को उतावली इसलिए है, क्योंकि मैं अब जल्दी से गिम्बल ले लूँ तो मज़ा आएगा, फिर अच्छा लगेगा ब्लॉगिंग करने में। कहा कि जैसे कहीं निकलूँ ना तो मोबाइल इससे ले जाता रहा, तो बहुत बार गिरा, तो अब उसको लेके जाएंगे। और स्टेशन में अब बहुत सारा सीन आएंगे, अभी मैं एक चीज़ रिवील करता हूँ। अब जो है ना अपन
सब पूरा हर जगह घूम घूम के और सब्सक्राइब कराएंगे। एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें पूरा मैटर ही सब्सक्राइब करवाएंगे स्टेशन में घूम घूम के। तो मैं कॉलेज चलता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। ये चापी कमिया सभी का सीन ये है, ट्रेन जो है ना एकदम राइट टाइम चल रही है, तो मैं वही कपड़ा कुछ चेंज नहीं किया हूँ, बस एक छो रोटी भी नहीं खाऊ, आलू पंडा पापा दिया उसको खाऊं। अब मैं दौड़ता हूँ, अब दौड़ के स्टेशन तक जाऊंगा और जल्दी पहुंच के वहां मिलता हूँ, शायद आज ट्रेन मिले, देखते मिलती कि नहीं। ठीक है, तो गाइस देख भैया मिले हैं, ये भैया देखो भैया इसमें थोड़ी, अरे भैया ये भैया मिले हैं, इनकी साइकिल है और टैक्सी नहीं आ रही थी तो इनकी साइकिल मिली है, तो इनकी साइकिल में बैठा हूँ और ये जल्दी से देखते स्टेशन पहुँचाते हैं कि नहीं, और अगर पहुँचाते हैं तो ट्रेन मिल जाएगी, नहीं फिर वापस घर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं वहीं पहुँच। ना आ पाओगे कल विकास बैरागी ब्लॉक करके? ठीक है गाइस, ये भैया जो है ना एक काम में जा रहे हैं अपने, और जहाँ मैं स्टेशन जाऊँगा वो दूसरी जगह जाएंगे, पर मैं बोला हूँ तो ये छोड़ देंगे। धन्यवाद भैया का। और यूट्यूब चलाते हैं बता दियो, चैनल का नाम ये सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, उसमें तुम भी आओगे कल सुबह आएंगे। तो अब ये मेरे को स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं, देखते हैं ट्रेन मिलती है कि नहीं, फिर वहीं चल के मिलता हूँ। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं साइकिल में, मज़ा आ रहा है, और चलो चलते हैं। नहीं आई ना अभी, नहीं आया, बस धन्यवाद भाई, मैं यहीं से चला जाऊँगा। तो गाइस फाइनली स्टेशन आ गया हूँ, अभी ट्रेन नहीं आई, एक बार खराब यार। ये भैया रहे जो हमको छोड़े हैं स्टेशन, ठीक है मैं चलता हूँ। तो अभी स्टेशन ट्रेन नहीं आई है, वो भैया छोड़ दिए हैं, और अब मैं जल्दी से चलता हूँ, फिर वहीं पहुँच के मिलता हूँ। ठीक है, लव यू लव यू लव यू। जस्ट मैं आके दौड़ के आया हूँ ना, पसीना इतना हो रहा है, ट्रेन भी आ गई, मैं शेड्यूल चल के मिलता हूँ, ट्रेन के अंदर आ गया हूँ, फिर कॉलेज चल के मिलता हूँ। ठीक है, स्टेशन पहुँच गया हूँ, ये ट्रेन है, अब कॉलेज जाके मिलता हूँ। ठीक है गाइस, जानते हो दिक्कत क्या हो गई थी कि मेरे साथ जो है ना वही ट्रेन से मेरी मामी जो है वो जाने वाली थी वही ट्रेन से, तो मतलब उनको जो है ना लेट हो गया। मैं फ़ोन भी किया रहा कि तैयार हो जाएंगी, पर वही, और मैं भी देखे हो ना कि मैं कैसे साइकिल वाइकिल से आऊँ, तो मैं कैसे रुक सकता था, मैं जानता रहा उनकी ट्रेन छूटेगी, पर फिर वो मेरे से बोली टिकट कटा लेना, तो मामी मैं टिकट कटाया रहा, देखो भागते भागते पहले एक कटाया, फिर काजल मेरे से बोली, तो मैं ये दो टो टिकट कटाया रहा आप लोग के लिए, आप लोग विश्वास ना करोगे मैं नहीं कटाऊंगा। और बहुत देर तक आगे पीछे पूरा ट्रेन में देखा हूँ, अभी टैक्सी में हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, और टिकट कट गई है, और ये टिकट कल लेके चल देना अगर हो सकेगा, और बस यही सीन है। और अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और बहुत दिक्कत, अभी वहाँ आज का सीन ये रहेगा कि आज मैं अभी देखो टैक्सी में हूँ, ये सब बैठे हैं दोस्त भाई लोग, ये कुछ ना बोलेंगे। हाँ, ये है सागर, जानते हो कि बहुत सी वीडियो में आया भाई है, ठीक है, सपोर्ट करता रहता है। फाइनली मेरी शादी आज रात को हो गई है, मेरी दुल्हन है ये, मुने दिखा रही है, ये मेरी दुल्हन है, पर हम कॉलेज जा रहे हैं। और मामी देखो तुम्हारी टिकट तो मैं दो टो कटा रहा, पर तुम खुद से नहीं बोले थे, ठीक है, और नहीं आए तो लेट कर दिए, अगर तुम पुलिया पास से बोल बता देते ना कि ट्रेन मतलब निकल गए होते तो मिल जाती है, मैं कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं कॉलेज से पैदल तो आ रहा था, पर आते आते मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो मैं लस्सी खरीदा हूँ, लस्सी पीता हूँ, और अभी वो मोबाइल की दुकान जा रहा हूँ जहाँ से ट्राईपोड मिलेगा, तो वहीं चल के आपसे मिलता हूँ, मैं जब तक लस्सी पीता हूँ। ठीक है गाइस, फाइनली मैं वो ले चुका हूँ, पैक कर रहे हैं, फिर ला के देते हैं, लास्ट ही पीस बचा था, मैं बहुत दिन देख के गया था, ये दुकान है, यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, उसको लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो गाइस, आज थारू भाई का एक छोटा सा ड्रीम, नहीं बहुत बड़ा ड्रीम, अभी तो आगे चल के पता नहीं, ट्राईपोड ले लिया हूँ, और जानते हैं यहाँ कोई जानता नहीं है, तो यहाँ कोई ज़्यादा जानता नहीं है ये सब ब्लॉगिंग के बारे में, तो उसके पास नहीं रहा। मैं ट्राईपोड ना बहुत दिन से देख रहा हूँ, जब से शेड्यूल कॉलेज आ रहा हूँ, और ये थोड़ा पुराना डिब्बा मिला क्योंकि उसके पास एक ही था, तो मैं टेप उप लगवाया हूँ मतलब डिब्बे में, डिब्बा भी फेंक दिया था, तो मैं बोला भैया ढूंढ के दे दो, मान लो मैं कहीं जाऊँगा, तो मैं इसको ले लिया हूँ, ये मेरे हाथ है, तो अभी मैं पैदल चल रहा हूँ, और अब मैं घर चल के आपसे मिलता हूँ, इसका अच्छे से अनबॉक्सिंग करेंगे अपन सब मिलके। तो गाइस आज बहुत बड़ा ड्रीम नहीं बोल सकते, मतलब बहुत बड़ा ही ड्रीम बोलेंगे, क्योंकि मैं जब देखो यूट्यूब में देखा रहा किसको देख के, मनोज डे, ठीक है, उनकी वीडियो, मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैं किसी का मतलब वो नहीं किया, देखा नहीं सुना नहीं, देखा था मनोज सर की वीडियो, उसके बाद उनको देखने के बाद ही मेरे उनकी जो फर्स्ट वीडियो थी ना जीरो से मिलियन, तो वो वाली वीडियो देखा, उसके बाद से मैं फ़ोन वोन अपडेट करने लगा, तो बहुत दिक्कत हुई, ये सब चाहिए तो Q&A, अभी तो मिलियन नहीं है पर Q&A करिएगा आप लोग, तो मैं ज़रूर से बताऊंगा। तो थोड़ा सा भी बता देता हूँ, उन्हीं को देख के मैं यूट्यूब चालू किया था, और ट्राईपोड लिया, 62 वीडियो 19 बनाया, और अभी बोया MM1 जो माइक आता उसको लेने की, मतलब जो सब लोग कैमरे में लगाते हैं उसको लेने की अब थोड़ा इच्छा हो रही है,
तो इच्छाएं हैं कभी पूर्ति नहीं होंगी, आज ये है, बड़े होंगे तो और इच्छा जागेगी, तो ये चलता रहेगा। तो मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे चेहरे से देख के लगता होगा आप लोग को, और मैं बहुत पूरा आज, मैं जानते हो कॉलेज से कोई दोस्त, गाइस मैं वीडियो एंड करके घर जा रहा था, तब एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस। प्रेम जो होता है ना, प्रेम ऐसा होता है, देखिए। सो गाइस वो वीडियो दिखाने को मतलब, तो मैं वीडियो एंड करके बस पैदल चल ही रहा था, तब देखा वो आंटी और उनका प्रेम। देखो गाइस, प्रेम कहीं भी हो सकता है और निभाने वाला चाहिए, ऐसा होता है। ज्ञान बच्चन नहीं देते क्योंकि अपने पास ऐसा कोई नहीं, मम्मी पापा के अलावा वही हमारे सब छह हैं और उन्हीं में ख़त्म है। और मैं अभी चलता हूँ, बोल बच्चन ज़्यादा नहीं देता हूँ, उनको देखा तो थोड़ा लगा बताऊँ आप। सो गाइस हमेशा की तरह फिर से ट्रेन आ गई है और यहाँ दोस्त लोग बैठे हैं और ट्रेन आ गई है। मैं अभी ट्रेन दिखाता हूँ, उसके बाद घर चलता हूँ, उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे जो सामान लिए हैं ट्राईपोर्ट का, ठीक है। गाइस बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ, अभी सो गया था पता है, और दो तीन तो लड़की आके बगल में बैठ गई थी और वो लोग उठाई तक नहीं की, उठाने की मैं मतलब समझ रहे हो ना, बैठा था फिर मैं जानता रहा कि मतलब हल्ला होगा तक हल्ला। आज भी कॉलेज में बहुत तारी थी लेकिन मैंने सोया नहीं, अभी कॉलेज से आया कुछ टाइम पहले, अभी ट्रेन आई है और मेरा भाई विकास लाइक करो बोलो करो चलो चलते हैं ट्रेन, आप देख सकते हैं। सो गाइस अभी ट्रेन रुकी है और पवन लोग चले गए हैं स्टेशन के अंदर और मैं अभी खड़ा हूँ, फिर घर चल के अनबॉक्सिंग करते अपन, ठीक है। फाइनली बुढ़ार रेलवे स्टेशन आ गया हूँ, अब घर चलता हूँ, टैक्सी में बैठता हूँ, फिर मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस सीन जो है, थारा भाई पी रहे हो कॉलेज से आके ठंडी ठंडी लस्सी और पापा लगा रहे हैं मतलब बगल में झाड़ू और मम्मी के बजा कोई नहीं है, तो पापा हैं। तो ये जो अनबॉक्सिंग है मेरे हाथ में है, ट्राईपोड लस्सी है। मैं कल सुबह करके जो ब्लॉग आएगा दूसरा वाला, तो उसमें दिखाऊंगा आप लोग को। तो ये ब्लॉग यहीं तक रखता हूँ, आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।